हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको आप यूज करके आप अपने लैपटॉप में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली वो ट्रिक क्या है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या है और कैसे काम करता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, वो ट्रिक क्या है। बेसिकली आज हम ये बताने वाले हैं कि जो हमारा ये स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन को एज ए हम वायरलेस माउस कैसे यूज कर सकते हैं, करेक्ट? तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली जैसे कि आपके पास अगर वायरलेस माउस नहीं है तो आप अपना स्मार्टफोन को एज ए वायरलेस माउस की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो कैसे यूज कर सकते हो, वो स्टेप क्या है, हर एक स्टेप को आप ध्यान से देखना है, ठीक है? तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है अपने लैपटॉप पे, मैं पहले लैपटॉप से स्टार्ट करूंगा फिर मोबाइल फोन पे आते हैं, करेक्ट दोस्तों? तो क्या करना है, आप गूगल पे जाइएगा और यहाँ पे मैंने डाल रखा है http://remotemouse.net, ठीक है? आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो और यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो। नई टैब ओपन करके मैं देख ले रहा हूँ, ये देखिए शायद मैं इसको, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है? इसको ऐसे करके यहाँ जब ओपन करेंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है? इसकी अब यहाँ से आपको करना क्या है, गेट नाउ कर देना, ठीक है? गेट नाउ पे जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे APK भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? विंडोज़ का भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी आप देखिए, ये विंडोज़ के लिए हो जाएगा, ये विंडोज़ के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको पहले विंडोज़ में इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर APK अगर डाउनलोड करके आप लैपटॉप से ही अपने मोबाइल में डालना चाहें तो मोबाइल में डाल सकते हैं, या फिर यही साइट आप मोबाइल में ओपन करके APK वहाँ डाउनलोड करें। तो मैंने क्या किया है, मैंने APK अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है और अभी विंडोज़ में आपको दिखा रहा हूँ, विंडोज़ में भी मेरे डाउनलोड है। तो आप यहाँ पर जाइएगा, डाउनलोड पर क्लिक करिएगा, ये साइड में देखिए डाउनलोड होने लगा, ठीक है? ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डाउनलोड हो गया है, ठीक है? अभी क्या करना है, इसके बाद आप ये देखिए ये आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, या फिर आपको मैं बता देता हूँ, इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, रन करा दीजिएगा, ठीक है? ये ऐसे उसको यस कर देना है, फिर इंग्लिश रहेगा, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट कर देंगे तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है? ये ऐसे आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ओके? बस प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल माउस रिमोट हो रहा है, जस्ट सेकेंड, हो गया। ये मेरा नेट फ्रेमवर्क अपडेट के लिए मांग रहा है, ठीक है? कोई नहीं, कर देंगे जिसको जो भी करना है। ये हो गया फिनिश। अब ये आपका ये डेस्कटॉप पे आ जाएगा ऐसा, ठीक है? ये डेस्कटॉप पे आ जाएगा, इसको आप क्या करिएगा, इसको ओपन करेंगे, यस करेंगे, ठीक है? माउस पोर्ट ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो ये कह रहा है ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ना रनिंग में हमारे चल रहा है, ठीक है? इसको ओपन कर सकते हैं हम लोग, ओपन करेंगे तो देखिए ये बेसिकली यहाँ से आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेटिंग, मैं ब्राउजर पे दिखा दे रहा हूँ, हमारे पास यही है, तो सेम वही चीज़ देख रहे, वही URL आ गया आपके पास, ठीक है? तो आपको करना क्या है, यहाँ पे गेट नाउ पे करेंगे तो ये देखिए ना सेम वही विंडो आई जो हमारे लैपटॉप पे थी। अब इस केस में आपको विंडो की जगह पे यहाँ पे एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड APK पे क्लिक करेंगे तो APK देखिए नीचे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? हमारे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको बंद करके, ये है, ये हमारी आ गई रिमोट माउस के नाम से आ जाएगी, ठीक है? जैसे ही इसको हम करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ना एक तो प्लस का आइकान आ गया कि हमारा जो IP एड्रेस है, जो हमारे लैपटॉप का और हमारे मोबाइल का सेम नेटवर्क का IP एड्रेस होना चाहिए, बस इसमें एक ये शर्त होती है, समझ लीजिए इसको, जो भी मानिए इसका रिक्वायरमेंट है। आप उस केस में अपना हॉटस्पॉट को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करिए तो दोनों सेम पे काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो अभी मेरा वाईफाई जो घर का लगा है उस वाईफाई के थ्रू और ये हमारा लैपटॉप सेम नेटवर्क में है, तो देखिए ना मेरे का 101 ये टेक से कनेक्ट। आपको नई डिवाइस करना है तो यहाँ से देखिए ना स्कैन QR कोड या कनेक्ट बाई IP, अगर IP से करना है तो यहाँ से IP एड्रेस डाल दीजिए, मैंने IP एड्रेस डाल रखा है। आप अगर यहाँ पे दूसरा डिवाइस प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ अलाउ के लिए मांगेगा, ठीक है? अब ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ QR कोड, स्टार्ट कर दिया। अब आप देखिएगा मैं माउस नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं इस पे यूज कर रहा हूँ, ये देखिए
ठीक है, ये मैं इस पर उंगली को कर रहा हूँ और देखिए इधर मैंने जो भी चीज़ मुझे ओपन करना है, ठीक है, तो आप ये ओपन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ ओपन करना है ओपन, ये देखिए डबल क्लिक कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये देखिए ना, ये मैं गूगल, ठीक है, ये आ गया, ये देखिए, ये क्लिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से एक ऑप्शन और भी है इसमें, यहाँ से देखिए ना, कीबोर्ड का ऑप्शन भी है, ठीक है, स्नैपशॉट भी ले सकते हो, कीबोर्ड का ऑप्शन भी है, जैसे हम यहाँ से टाइप करता हूँ, जैसे GOOGLE गूगल टाइप करिए तो ये गूगल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो सेम ऐसे ही दोस्तों हैं, ये बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप है। तो आप लोग इसको यूज करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने एक स्मार्टफोन को एज ए वायरलेस माउस की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नई जानकारी के साथ डेली का डेली हम मिलते रहते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ऐसे ही टॉपिक पे हम डेली का डेली वीडियो बनाते रहते हैं ताकि सबको आपको पता चलता रहे क्या है क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे अगर मेरी नई वीडियो आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों आज के दिन इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।